बुरहानपुर में इन दिनों शहर की सड़कों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। शहर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे, इंदौर इच्छापुर और शहर के भीतर की सड़कों पर हुए गड्ढों को कांग्रेस के पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता श्रमदान कर भरते हुए नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर शहर और शहर से होकर गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर हुए गड्ढों को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव व पार्षद दल के नेता बने अजय सिंह रघुवंशी ने सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने के बहाने बीजेपी की महापौर, विधायक और सांसद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में मदमस्त बीजेपी के लोग कुंभकर्ण की नींद से जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस आंदोलन करके इस कुंभकर्ण को जगाना चाहती है। उन्होंने महापौर को अंधी, बहरी और गूंगी जैसे अशोभनीय शब्दों से संबोधित किया। बड़ा दुख और अफसोस है कि महापौर हमारी जो है अंधी भी है, बहरी भी और गूंगी भी है। बुरहानपुर शहर के गड्ढे उनको नहीं दिख रहे, ना उनको लोगों की चीख पुकार सुनाई आ रही है, ना इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, बाकी उनको कुछ उनके मुंह से बोले नहीं जा रहा है। और इतने बेशरमाई हो चुकी है बुरहानपुर के विधायक और सांसद कि जो चिट्ठी चिट्ठी की बात करते हैं। जनता आज हाल बेहाल है, तो मजबूरी में ये भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्णी नींद में सत्ता के मदोश में सोए हुए महापौर, विधायक और सांसद को जगाने के लिए हमने कांग्रेस पार्षद दल ने कल से ये बीड़ा उठाया है कि हम शहर के गड्ढे भर के कम से कम शहर की जनता को जो भी हम राहत दे सकते हैं हमारी ओर से इन बेशर्मों को इनके जवाब देने के लिए हमने ये काम चालू किया है। इधर बीजेपी महापौर माधुरी पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आंदोलन को नौटंकी करार दिया और कांग्रेस द्वारा की गई टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये केवल मेरा नहीं पूरी जनता का अपमान है। ये तो 7 साल से जीएमसी ने जो पाइपलाइन खोद रहे हैं उसके कारण ये गड्ढे हुए। हम उसमें भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, 8 दिन से हम प्री कॉस्ट का जो माल आ रहा है उससे हम गड्ढे भर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है जी। और ये जब ये हाईवे का बता रहे हैं, नेशनल हाईवे का रोड है वो नगर निगम में नहीं आता, ये यहाँ का PWD का रोड है वो नगर निगम में नहीं आता, उसमें भी आप लोग गड्ढे भर रहे हो और अशोभनीय बातों का उसमें जिक्र कर रहे हैं वो महापौर के बारे में। तो मेरा अकेले का कुछ नहीं हो रहा है, पूरी जनता का अपमान उसमें हो रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।